بسم الله الرحمن الرحيم. पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है, हाँ हो जाती है, लेकिन बेहतर यही है कि इस्लामी लिबास हो। मैंने देखा ये जो ब्रुनाई वाले हैं या मलेशियन हैं, ये बड़ा अच्छा करते हैं, नीचे चाहे पैंट भी हो ना, ऊपर लुंगी बांध देते हैं ताकि नमाज तो सही हो जाए ना। पैंट जो है ना, अगर वो टाइट हो तो बदन आदमी का पूरा नज़र आ रहा होता है, ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा। अगर कोई लड़का और लड़की कहें कि हम खुदा को आदर नादर जान के कहते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, सारी ज़िंदगी जिना करते रहेंगे, कोई निकाह नहीं होगा, उसके लिए वली भी ज़रूरी है, खुतबा भी ज़रूरी है, गवाह भी ज़रूरी है, ये अच्छा निकाह है? ये तो फिर वो शिया वाला मुता हो गया ना। अगर किसी लड़की के साथ मेरा नजायज़ ताल्लुक था, अब मैं शादी करना चाहता हूँ, जब नजायज़ ताल्लुक था तो मौली मक्की से मसला नहीं पूछा, अब नेक काम करना चाहते हो तो पूछते हैं क्या जरूरत, तौबा करो दोनों और निकाह करो। अजहर इकबाल के वालिद मोहम्मद इनायत फौत हो गए, अल्लाह मफरत फरमाए, मैं बीमार हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमाए, मेरी घरवाली फौत हो गई है, मेरी शादी के लिए भी दुआ करना माशाल्लाह, मेरी घरवाली भी फौत हो गई है, तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह के बंदे, आजकल दुआओं से शादी नहीं होती, दौलत से, पैसे से होती है। पैसा बनाओ, दौलत बनाओ, दुआ ना भी मांगो, लो खुद आके रिश्ता देंगे। कुछ ना हो, भूखे नंगा, 100 वजीफे बढ़ता रहे, कौन देता है? आपके मदरसे में मौलाना बशीर अहमद इलाहाबादी मैलसी वाले पढ़ाते हैं? हाँ जी पढ़ाते हैं, हमारे मदरसे के मोहतमिम हैं, तो तुम वही जाके उनको मिलना, सलाम कहना, यहां से मैं सलाम भेजू? अजीब बेवकूफ आदमी है। असलम भाई पता नहीं क्या है, वो अपना माल दीन के काम पे सर्व करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके उसको माल में बरकत दे। उम्रे वाले को हाजी ना कहें, जब उसने हज किया ही नहीं तो क्यों कहो? वह हकीके का बड़ा जानवर, हकीके का बड़ा जानवर सस्ता मिलता होगा, इसलिए हकीके का मसला। हकीके में दो बकरे ज़िबे करो, कोई बड़ा जानवर ना करो। हजूर ने दो दुम्बे ज़िबे किए हैं और बड़े कीमती। ज़ेवर भी हम किस्तों पर खरीदने खरीद सकते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना आतना भी पढ़ सकते हो, रब्बना आतना भी पढ़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है।